यार ये सलार के मेकर्स ना डेढ़ शाणे निकले यार, बहुत ज्यादा डेढ़ शाणे निकले। मतलब ये कल दोपहर तक डंकी से हर एक मौके पर दो दो करोड़, दो दो करोड़, दो दो करोड़, दो दो करोड़ पीछे चल रहे थे। मतलब सबको लगने लगा कि यार मतलब डंकी ही आगे चल रही है, डंकी से ज्यादा क्या ही कलेक्शन होगा फर्स्ट डे पर, ऐसा वैसा 10 तरह की बातें होने लगी। शाम को इन्हें निजाम में ओपनिंग चालू करी, तेलुगु की ऑडियंस अंदर आई, और भाई साहब अब जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ ना, हर एक घंटे के 1 करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि जो मूवी 2 करोड़ रुपए पीछे थी ना, अभी की तारीख में अगर मैं बताऊं आपको तो वो डबल हो चुकी है। जहां डंकी 13 करोड़ पर बैठी है ना, इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर सलार अभी बताऊंगा आपको, अभी बता दूंगा तो आप वीडियो थोड़ा देखोगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम लोग। सबसे पहले देखिए कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है शोज को लेकर, पीवीआर आइनॉक्स वाली, उसको हम लोग जरा साइड में रखते। देखिए वो जो भी चल रहा है यार उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जो डिस्कशन करना था, जो बताना था, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस बात को दोबारा रिपीट करने में कोई सेंस नहीं है। हम अगर बात यहां पर करने वाले कलेक्शन की, क्योंकि ये आज रात की आखिरी रिपोर्ट होगी, इसके बाद सुबह सिर्फ हम लोग एक प्रेडिक्शन की बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की और फाइनल एडवांस बुकिंग की। तो ये आज रात की फाइनल होने वाली है, और ये जो कलेक्शन है इसमें अब ये सलार का है, तो अब तो मेरे को एक प्रेडिक्शन लगाने में भी डर लग रहा है कि मैं पता चला आपको बोल रहा हूँ कल सुबह तक 30 करोड़ होगा, मैं उठ के देखू तो ये 35-40 करोड़ में बैठा हो। तो अभी जैसा कलेक्शन है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा हो जाएगा इसका कलेक्शन। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले शानदार तरीके से भैया, जो स्टेट वाइज इसकी फिलहाल बुकिंग आ रही है वो, क्योंकि मतलब अच्छे खासे शोज खुल गए। सबसे पहले बात करें हम लोग तो आंध्र प्रदेश में सबसे बेहतरीन 68% ऑक्यूपेंसी के साथ में 1321 शोज हैं, जिसमें से कि 1300 में से 900 शोज जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं, और 75 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। मतलब क्या बेहतरीन मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है यार यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो बड़ी स्टेट आ रही फिर कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका में 40% ऑक्यूपेंसी के साथ में 1126 शोज हैं, 413 ऑलमोस्ट फुल हैं, 170 फिलिंग फास्ट हैं। केरला की बात करें तो 30% ऑक्यूपेंसी के साथ में 1209 शोज हैं, 341 फिलिंग ऑलमोस्ट फुल हैं और 212 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है निकलकर तमिलनाडु और तेलंगाना से। तेलंगाना में ही सबसे ज्यादा मची और धूम है ना, मतलब आंध्र प्रदेश के बाद में फिर तेलंगाना मची। तमिलनाडु की बात करें तो 1144 शोज हैं, 14% की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है, 118 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है और 100 शोज जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तेलंगाना की बात करें तो 1029 यहाँ पर शोज हैं, 68% की ऑक्यूपेंसी के साथ में 640, जी हाँ 640 शोज यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है और 67 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। मतलब आप साउथ की अगर स्टेट्स को देखेंगे ना, तो वहां पर फिलिंग फास्ट वाला तो फंडा बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट फुल वाला फंडा ज्यादा है। मतलब अगर ये जो 3-4 स्टेट्स मैंने आपको बताए, अगर मैं सिर्फ इन्हीं इन्हीं की बात करूं, तो आप ये मान के चलिए कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट बता रहा हूं आपको 2500 शोज ना इसके मेरे को यहीं पर हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं। 2500 शोज पहले दिन के 2500 शोज आपके ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा लो कि क्या क्रेज है इस मूवी का साउथ में, लिटरली यार। मतलब ये लगता है कि हाँ देखिए जब सिनेमा को पब्लिक सेलिब्रेट करती है तो यही चीज समझ में आती है। इसके अलावा दिल्ली में 450 शोज हैं, वेस्ट बंगाल में 150 शोज हैं, वहां पे भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में 150 शोज में 33 हाउसफुल जा रहे हैं, बढ़िया है। यूपी में 257 शोज हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में 621 शोज हैं, 46 वहां पर भी ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं, एंड कर्नाटका एंड केरला में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा गुजरात में 900 शोज हैं, 40 यहां पर भी ऑलमोस्ट फुल है, 32 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है ओवरऑल यहां पर अगर हम देखें तो, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो टिकट की सेल्स देखिए निकलकर सामने आई है वो तो झूठ नहीं बोलेगी, वहां पर तुमको साफ पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ है। थोड़ा सा अगर हम लोग लैंग्वेज वाइज जाए, सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की, सॉरी तेलुगु की। तो तेलुगु में बेंगलुरु में 677 शोज हैं, 317 ऑलमोस्ट फुल है, 104 यहां पर फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। हैदराबाद की बात करें तो 365 शोज जो है यहां पर हैं, 365 में से हैदराबाद में 316 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी जा रही है 92%, हैदराबाद में 92% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। चेन्नई की बात करें तो 43% ऑक्यूपेंसी के साथ में 127 शोज हैं, 53 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, 25 फिलिंग फास्ट हैं। इसके अलावा पुणे से भी अच्छी ऑक्यूपेंसी जा रही है, 49%, 22 शोज हैं और 12 शो यहां पर हाउसफुल हो चुके हैं। तो ये बढ़िया, यहां पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है मूवी को यार, देखकर मजा आ जाए। वाइजैक और विशाखापट्टनम की बात करें तो 86% ऑक्यूपेंसी है, 203 शोज हैं और 203 में से 174 शोज जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। इसके अलावा काकीनाडा करके एक जगह है, यहां से 98% शोज जो है वो ऑक्यूपेंसी के साथ जा रहे हैं फुल, और 53 में से मतलब 46 शोज जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, बढ़िया आंकड़े आ रहे हैं। करीमनगर की बात करें तो 71% यहां पर भी ऑक्यूपेंसी है, 31 में से 27 शोज यहां पर ऑलमोस्ट फुल है। तो ये बढ़िया, आप देखिए ना नेल्लौर में भी ऐसे ही हाल है, 76% शोज वहां पर हाउसफुल जा रहे हैं।
तो ये बहुत बढ़िया आंकड़ा निकल कर आ रहा है तेलुगु से। अब बात करें मलयालम की, तो मलयालम में भी बढ़िया हाल है। कोच्चि में 52% ऑक्यूपेंसी है, 121 शोज में 76 ऑलमोस्ट फुल है। त्रिवेंद्रम में 23% ऑक्यूपेंसी है, 104 शोज में से 19 हाउसफुल है। कोझिकोड में 40% ऑक्यूपेंसी के साथ 48 में से 21 शोज ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। वही त्रिशूर की बात करें तो 51 में से 24 शोज जो है वो हाउसफुल है। अब तमिल की बात करते हैं, तमिल में चेन्नई की अगर हम बात करें, चेन्नई में 312 में से 25 शोज अभी हाउसफुल जा रहे हैं। इसके अलावा कोच्चि में 28 में से 10 शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल जा रहे हैं। त्रिवेंद्रम में से 39 में से 11 शोज जा रहे हैं। अब बात करते हैं कन्नड़ा की, तो कन्नड़ा में बेंगलुरु में 36 शोज हैं और उसके बाद शिवमोगा में 12 शोज हैं। यही एक यहां पर मेन चीज है। हिंदी की बात करें तो हिंदी के सबसे अच्छे शोज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। हिंदी के सबसे अच्छे शोज जा रहे हैं सिर्फ मुंबई में 269 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में 419 शोज हैं, अहमदाबाद की बात करें तो वहां पर करीब करीब 250 शोज आ रहे हैं, पूना में 97 शोज आ रहे हैं, भोपाल में फाइनली पहले तो सिर्फ 8 ही शो आ रहे थे, अब जाकर 29 शो हुए हैं और 5 शो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं, धन्य हैं आप लोग। लखनऊ की बात करें तो भैया 87 शोज यहां पर दिखाया जा रहा है सामने, भैया 87 शोज आ रहे हैं, तो बढ़िया आंकड़े, मतलब अच्छी खासी इसकी भी सीटों की शेयरिंग जा रही है। अब आए हम लोग बुकिंग के ऊपर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो अभी तक आपके जहन में जिंदा होगा। मैं जानता हूं कि जब मैंने इसके शोज 3 बजे देखे थे तब 18.5 करोड़ की इसकी बुकिंग थी, 8 बजे जब मैंने चेक किया तो 18 करोड़ से ये हो गई 24 करोड़ 50 लाख। जंप देख रहे हो आप कितनी देर में, 5 घंटे में 6 करोड़ की बुकिंग हो गई, 5 घंटे में 6 करोड़। अब मैंने 9 बजे जब चेक किया तो फिर से 50 लाख बढ़ गया है, 25 करोड़ 15 लाख की बुकिंग इसकी हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की तो 12 लाख टिकट इसके बिक चुके हैं। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो 9,500 शो है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डंकी के 14,500 शोज हैं, सालार के 9,500 शोज हैं। नंबर ऑफ टिकट्स की बात करूं तो जहां पर डंकी के 4.5 लाख बिके हैं तो वहीं पर सालार के 12 लाख टिकट बिके हैं, तिगुने टिकट बिक गए अब एक तरीके से। और कलेक्शन की बात करें तो जहां पर एडवांस बुकिंग में भी डंकी का कलेक्शन 13 करोड़ हुआ है तो वहीं पर सालार का कलेक्शन अब 25 करोड़ रुपए हो चुका है। जी 25 करोड़ रुपए। अब जरा लैंग्वेज वाइज भी जाकर देख लेते हैं, तेलुगु में 3600 शोज हो चुके हैं, हिंदी से भी ज्यादा शोज अब तेलुगु में हो चुके हैं, 209 एवरेज टिकट प्राइस है, काफी कम है, और 9,32,000 टिकट जो है इसके बिक गए। मलयालम की बात करें तो 1,000 शोज में 1,00,000 टिकट बिक गए हैं। तमिल की बात करें तो 1,100 शोज में 63,000 टिकट बिक गए हैं। हिंदी में बात करें तो 3,500 शोज में 90,000 टिकट बिक गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 267 यहां पर एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा हाई है, मुझको ऐसा फील होता है। इसके साथ में 9,500 इसके टोटल शोज हो चुके हैं, 12 लाख टिकट बुक हो गए और 25 करोड़ इसकी टोटल अब सेल्स हो चुकी है एडवांस बुकिंग से। तो वही सरार के साथ विवाद हो ना हो वो सब तो बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो स्क्रीन कम होने के बावजूद भी सरार ने बिल्कुल पर्दे के ऊपर आग लगा के रख दी है कि आ जाओ भैया देखते हैं किसमें कितना है दम। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।